तो नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यह पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने की बड़ी मांग, बोले खत्म किया जाए मदरसा शब्द का अस्तित्व, बच्चों को घर पर पढ़ाएं कुरान। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने देश के सभी स्कूलों में एक समान और सामान्य शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मदरसा शब्द का अस्तित्व अब पूरे तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि मदरसों में पढ़ने से वे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे तो वे खुद ही जाने से मना कर देंगे। विश्व शर्मा ने आगे ये भी कहा कि बच्चों को उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए मदरसों में भर्ती कराया जाता है। स्कूल में साइंस, इंग्लिश, गणित जैसे विषयों पर जोर होना चाहिए। स्कूलों में सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को घर पर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। इसी आयोजन में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बच्चों को कुरान की शिक्षा घर पर दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि मदरसा शब्द का अस्तित्व अब खत्म कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, हिंदू महासभा ने कोर्ट में डीआरजी शाही ईदगाह को बताया श्री कृष्ण का असली गर्भगृह। यहां आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मथुरा की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह को श्री कृष्ण का असली गर्भगृह बताया है। इसके साथ ही याचिका में कथित असली गर्भगृह के गंगा और जमुना जल से शुद्धिकरण करने की मांग की गई है। ये प्रार्थना पत्र ठाकुर केशव देव जी की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया है। मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की भूमि को लेकर विवाद पर सुनवाई की। अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई का समय दिया है। हिंदू महासभा का दावा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास बनी शाही ईदगाह अवैध तरीके से बनाई गई है और ईदगाह के नीचे भगवान के मंदिर का शिलालेख है। आपको बता दें कि मामले में अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव की पार्टी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, कार्यवाही की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 18वें सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानमंडल के सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और बेल में उतर आए। खास तौर पर सपा सदस्य सरकार विरोधी नारों की तख्ती लेकर सदन में आए थे। उन्होंने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। वहीं महंगाई, आवारा पशुओं से बचाने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। यूपी विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायकों से कहा कि मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं, मैं उनसे राज्य के विकास के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 2022-23 के लिए राज्य का बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने और उनका जवाब देने के लिए तैयार है जिन्हें विधानसभा के सदस्य उठाएंगे, लेकिन सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में प्रदर्शन करते देखे। आपको बता दें कि जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, ईंधन की कीमतें कम होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, बोले बिना वजह वाहवाही लूट रही मोदी सरकार। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के केंद्र के फैसले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की और चुनाव खत्म होते ही 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के बाद जो दाम बढ़ाए थे उससे भी कम कीमत कल कम की गई है। उन्होंने कहा कि ये तो जनता को धोखा देने वाली बात हुई, केंद्र सरकार बिना वजह ही वाहवाही लूट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन में फूट के बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर आ गया बड़ा संकट, सरकारी जमीन हड़पने के लगे आरोप। यहां आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन में फूट का सामना कर रहे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दोनों किसान नेताओं पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। अधिकारी का कहना है कि मामले में जांच शुरू की जाएगी। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में रहने वाले राहुल मुखिया ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले सरकार की तरफ से सिसौली गांव में जमीन का हिस्सा तालाब के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि दोनों भाइयों ने तालाब को मिट्टी से भर दिया और अवैध रूप से रहवासीय संपत्ति का निर्माण कर लिया है। मैंने इस मामले में लिखित रूप से जिला स्तर पर अधिकारियों को सूचित किया है और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भी अवगत करा दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत के सामने अब जमीन हड़पने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और बड़ी खबर, अब कुतुब मीनार परिसर में होगा मंदिरों का जीर्णोद्वार और पूजा का अधिकार। दिल्ली की अदालत अपील पर 24 मई को करेगी सुनवाई। यह आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में वकील हरिशंकर जैन और वकील रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमे में दावा किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित एक संक्षिप्त इतिहास बताता है कि आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की सेना में कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और मस्जिद को परिसर के अंदर खड़ा किया गया था। मुकदमे में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं श्री गणेश, विष्णु और यक्ष जैसे देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें और मंदिर के कुओं के साथ कलश और पवित्र कमल जैसे प्रतीक हैं जो इस इमारत के हिंदू मूल को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब 24 मई को इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। वकील अश्वनी उपाध्याय बोले कि नमाज पढ़ने से नहीं बदलेगा मंदिर का स्वरूप। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद सेशंस कोर्ट से ट्रांसफर होने के बाद आज पहली बार जिला अदालत में सुनवाई हुई। वहीं अब काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। सदियों से वहां पर भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है, ये संपत्ति हमेशा से ही उनकी रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सूरत में संपत्ति से उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहां तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया द्वारा मूर्तियों को वहां से शिफ्ट न किया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी दलील दी है कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई, कोई भी मस्जिद वैध नहीं है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता है। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद कमेटी की याचिका को तुरंत खारिज करने की मांग की है। और बड़ी खबर, सदगुरु जग्गी वासुदेव का बड़ा ऐलान। बोले, हजारों मंदिर ढाए गए, अब उन पर बात करना बेकार, इतिहास दोहराया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि इन दिनों ज्ञानवापी के अलावा भी कई जगहों पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के कुतुब मीनार और हैदराबाद की मस्जिद में भी हिंदू देवी देवताओं के निशान होने की बात कही जा रही है। इसी बीच आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि अब उन हजारों मंदिरों के बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है जो आक्रांताओं के हमले से ढा दिए गए थे। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि हमले के दौरान हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, तब हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब उनके बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इतिहास दोबारा नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को साथ में बैठना चाहिए और समझौता करना चाहिए कि जो 2 से 3 प्रमुख जगह हैं उन पर कोई फैसला हो जाए। हर एक जगह के बारे में बार बार बात करना और फिर से विवाद पैदा करना, दोनों समुदायों के बीच में दुश्मनी बनाकर रखना ठीक नहीं है। कुछ मिलेगा तो कुछ खोना भी पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाने का यही सही तरीका है। हमें ये सारी बातें हिंदू मुस्लिम में बांटकर नहीं देखनी चाहिए। आपको बता दें कि सदगुरु ने साफ कर दिया है कि हजारों मंदिर पहले ढाए गए, अब उन पर बात करना बेकार है, इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 से 3 प्रमुख जगह हैं उन पर हिंदू और मुस्लिम आपस में बैठकर बातचीत करें और कोई फैसला निकालें। और बड़ी खबर, पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे जापान, क्वाड सम्मेलन सहित 23 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। वे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किसिदा के निमंत्रण पर 23 और 24 मई के दौरे के लिए यहां पहुंचे हैं। यहां पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। टोक्यो में भारतीय समुदाय के
लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया। लोगों ने कहा कि हम जापान में पीएम मोदी का स्वागत करके बेहद खुश हैं, उनकी ऊर्जा लाजवाब है, उन्होंने हमें हर कहीं पर गर्वित किया है। लोगों ने पीएम मोदी के लिए भारत माँ का शेर के जमकर नारे भी लगाए। अगली बड़ी खबर, सस्ते हुए सरसों मूंगफली सहित इन सभी खाने वाले तेलों के दाम। ये आपको बता दें कि पिछले कई महीनों के बाद देश के घरेलू बाजार में अब सरसों मूंगफली सोयाबीन और पामोलिन सहित सभी खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि विदेशी बाजारों में अभी भी तेल की कीमतों में कमी नहीं आई है। घरेलू मार्केट में सोयाबीन, सरसों, पामोलिन और मूंगफली समेत कई खाने वाले तेलों के दामों में 7 से 10 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आ गई है। जानकारों की माने तो ये गिरावट इंडोनेशिया द्वारा निर्यात खोले जाने के बाद आई है। सोयाबीन और पामोलिन तेलों के दाम में तकरीबन $100 की कमी आई है। हालांकि विदेशों में अभी भी सूरजमुखी तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि भारत में खाने वाले तेलों के दामों में लगभग 7 से 10 रुपए प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, महंगाई से लड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने और उपभोक्ताओं को उत्पादों की आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए यानी कि $26 अरब खर्च करेगी। 2 सरकारी अधिकारियों ने बताया कि महंगाई के इस दौर में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में जो कटौती की है उससे ही सरकारी खजाने को 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगेगी। देश में खुदरा महंगाई अप्रैल में बढ़कर 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इस दौरान थोक महंगाई भी बढ़कर 17 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आसमान छूती महंगाई मोदी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।